बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है वेव्स के मुतालिक, कि वेव्स हमारे कितने टाइप्स की हैं। हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का हमारा सेकंड पार्ट यही है कि वेव्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुतालिक जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो है वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी वेव्स हम पढ़ेंगे। सिर्फ जस्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर नंबर 8 का। हमारे पास वेव क्या होती है? वेव होती है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ड्यू टू द रिपीटेड पीरियडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। हमारे पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के, वो मीन पोजिशन के अराउंड या अबाउट वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी आगे ट्रेवल करती है, मास ट्रेवल नहीं करता। इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। यानी सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करती है, वेव ट्रैवल नहीं कर, मतलब मास ट्रैवल नहीं करता। अगर हम वेव मोशन को देखें तो क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैकेनिज्म और प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, हम कहते हैं नंबर वन, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव ओनली विद द वेव, ओनली डिस्टर्बेंस मूव फॉरवर्ड। वेव हमारे आगे बढ़ती है, यानी कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है, पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते। पार्टिकल एग्जीक्यूट वाइब्रेशन अबाउट दियर मीन पोजिशन। पार्टिकल एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास वाइब्रेशंस यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती है, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आगे डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करती है। नो मैटर इज ट्रांसफर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रांसमिशन। मैटर कोई ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर करती है। अगर हम वेव की क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम्स, तो हमारे पास तीन तरह की वेव्स होती हैं। एक मैकेनिकल होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक मैटर वेव होती है। तीन तरह की वेव्स हमारे पास हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है मैकेनिकल वेव, जिसको हम इलास्टिक वेव भी कहते हैं। देयर आर द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। एक ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड हो, मीडियम ज़रूरी हो, ऐसी वेव को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं उसको मैकेनिकल या इलास्टिक वेव का। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे ट्रैवल थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड पीरियडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। पार्टिकल्स मीन पोजिशन के अराउंड या अबाउट आप कह सकते हैं वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आगे एनर्जी ट्रांसफर करती है। फॉर इट्स प्रोपोगेशन मीडियम मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। आपका जो मीडियम है उसके पास इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होनी चाहिए। दे ट्रैवल मच स्लोअर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेव जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत स्लो ट्रैवल करती है। दे डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि हमारी जो मीडियम होता है इसके लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। मैकेनिकल वेव्स हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है वेव्स एंड स्प्रिंग, एक मीडियम ज़रूरी है, वाटर वेव्स हो गई, स्प्रिंग की वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, सीज़मिक वेव्स हो गई, जो हमारी सीज़मिक वेव्स अर्थक्वेक में जो आती हैं। दूसरी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर द वेव्स फॉर दोज प्रोपेगेशन मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी। इसके लिए फॉर दोज प्रोपेगेशन मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी, जिसके लिए प्रोपेगेशन मीडियम ज़रूरी नहीं होता। अगर मीडियम है तो भी सही है, अगर मीडियम नहीं है तो भी सही है। दे कंसिस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। आपके पास डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और ये हम अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास, ये वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया, अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेरी कर रहा है इन द एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जेड एक्सिस में हमारे पास मैग्नेटिक कंपोनेंट ट्रैवल करता है जेड एक्सिस के अंदर। यानी ये हमारी डायरेक्शन हो गई चलने की, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे वेरी कर रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, ठीक है। अच्छा, जब ये वेरी करती हैं तो हमारे पास वेव्स आके ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, मीडियम में भी ट्रैवल करती है। देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इनकी जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल होती है। इसकी एग्जाम्पल्स में तमाम लाइट वेव्स आ जाती हैं, एक्स रेज भी आती हैं, हीट वेव्स भी आती हैं, गैमा रेज भी आती हैं, इंफ्रारेड भी आती हैं, और आपके पास
कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स भी इसी के अंदर होती हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की तमाम वेव्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, मैटर वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? दीज आर द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हाई स्पीड बिहेव लाइक अ वेव। ये हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो हाई स्पीड से मूव हो रहे हो तो वेव की तरह बिहेव करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स, इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हमने वेव को क्लासीफाई कर लिया। तीन तरह की वेव्स होती हैं हमारे पास। आपने देखा कि सबसे पहले आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलास्टिक वेव्स होती हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक होती है मैटर वेव्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर हाई स्पीड में मूव कराया जाता है तो बिहेव करती हैं एज अ वेव। अच्छा, अगर हम वेव्स को क्लासीफाई करें द मोड ऑफ वाइब्रेशंस, तो हमारी वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकेंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। अच्छा जी, ट्रांसफर वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? आपके पास ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती हैं। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारे पास कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जब आपके पास मीडियम कंप्रेस है, रेयरफैक्शन जब मीडियम ओपन है। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव इस डायरेक्शन में चल रही है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव। वेव भी इसी डायरेक्शन में कर रही है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में है। क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म, ये कहलाता है आपके पास क्रस्ट, ये कहलाता है आपके पास ट्रफ। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म। ये कहलाता है आपके पास कंप्रेशन, ये कहलाता है आपके पास रेयरफैक्शन। जहाँ पे वेव्स ओपन होती है वो रेयरफैक्शन है, जहाँ पे कंप्रेस होती है कंप्रेशन है, और जहाँ पे ओपन होती है वो रेयरफैक्शन है। फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये लिक्विड्स और सॉलिड्स की सरफेस के ऊपर फॉर्म होते हैं। फॉर्म्ड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों के ऊपर फॉर्म होते हैं। ये इलास्टिक भी हो सकती हैं और नॉन इलास्टिक भी हो सकती हैं, यानी कि मैटर वेव्स भी हो सकती हैं और नॉन मैटर वेव्स भी हो सकती हैं। यानी कि आपके पास ये लाइट वेव्स भी हो सकती हैं, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं। ओनली इलास्टिक वेव, ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक यानी कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए आपके किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे साउंड वेव्स हो गई, सीज वेव हो। डू नॉट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस इन द मीडियम, जब ट्रैवल करती है तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं डालती। जब लाइट किसी मीडियम से गुजरती है तो कोई प्रेशर का फर्क नहीं आता, लेकिन जब ये किसी मीडियम में से गुजरती है तो एक प्रेशर का डिफरेंस होता है, प्रेशर डालती हुई जा रही होती है मीडियम के ऊपर। अच्छा जी, हमारे पास देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स किस तरह से हो रहा है। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पैरेलल है और हमारे पास ट्रांसफर वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती है। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं इस तरह से ट्रैवल करती हैं। ट्रांसफर्स वेव, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती हैं ये आप देख लें। कंप्रेशन रेयरफैक्शन पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, इसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला इसका है हमारे पास पावर इन वेव्स और एनर्जी इन वेव्स। वो टॉपिक हमारा आपको मिल जाएगा इसी में, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक जो इसका हमारा थर्ड होगा वो हम स्टैंडिंग वेव्स और बात करेंगे, हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करेंगे और प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।